गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर शानू मित्तल। आई एम अ ग्लोकोमा कंसल्टेंट एट I7 हॉस्पिटल्स, लाजपत नगर। थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम 12th टू 18th मार्च वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ग्लोकोमा वीक। द पर्पस, जो इसका पर्पस है वो ये है, एक अवेयरनेस ग्लोकोमा के लिए फैलाना पूरी दुनिया में। तो इस पूरे हफ्ते में थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कंट्री में मोस्टली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉक्स होती हैं, इसीलिए कि आम पब्लिक को, लोगों को ग्लोकोमा, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें लोगों को। तो इंडिया में भी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज़ जिससे कि एक आम पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जा सके ग्लोकोमा के बारे में। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो उसमें बहुत ही बेसिक बातें बताऊँगा ग्लोकोमा के बारे में, और होपफुली हमारी जो पब्लिक है उन लोगों को जिनको कुछ पता ही नहीं है थोड़ा बहुत पता चलेगा इससे, और दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इंडिया में ग्लोकोमा का जो नंबर है, ग्लोकोमा के पेशेंट्स का नंबर है, वो एक रफ एस्टिमेट है अराउंड 1.2 करोड़। अगर पॉपुलेशन इंडिया के हम 120 130 करोड़ मान रहे हैं, तो एवरी वन इन हंड्रेड, एक आदमी 100 लोगों में ग्लोकोमा से प्रभावित है, ग्लोकोमा डिसीज है उसे। बट कैच क्या है? कैच ये है कि 80 to 90% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है वो ग्लोकोमा से प्रभावित हैं। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज इन ग्लोकोमा। इसीलिए ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, वीडियोज़ हैं, ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए ग्लोकोमा क्या होता है, उन्हें क्या करना है। 1.2 करोड़ में से 80 to 90% लोगों को पता नहीं है, वो डिसीज़ लेके बैठे हैं, वो डिसीज़ बढ़ती जा रही है। अब बहुत ही बेसिक चीज़ में मैं बताऊँगा वर्ड्स में कि ग्लोकोमा होता क्या है, और हम बात करेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताता रहा हूँ कि ग्लोकोमा यानी काला मोतिया या समलबाई, या बहुत से लोग इसे काले पानी के नाम से भी बोलते हैं, ये बीमारी है आपकी आँख की नस की। आँख की नस, अगर आप देख पा रहे हैं, आँख के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है आँख का सारा सिग्नल दिमाग तक लेके जाना, यानी आँख का सारा इनपुट ये ब्रेन तक लेके जाती है और इसी की वजह से हम देख पाते हैं। अब ग्लोकोमा इसी नस की बीमारी है, इस नस में धीरे धीरे नुकसान होता रहता है, ये नस धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। जो सबसे खतरनाक चीज़ है ग्लोकोमा की, वो ये कि इस नस में जो भी नुकसान हो गया वो परमानेंट है। दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस नस को वापस ग्रो कर सके, यानी जो नुकसान हो गया वो परमानेंट और इरिवर्सिबल है। सारा का सारा ट्रीटमेंट उस स्टेज पे है कि जो बचा है हम उसे बचा लें। इसीलिए बार बार एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं, फॉलोअप में रहें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नस को बचा सकें और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। तो जैसे मैंने बताया, ये एक नस की बीमारी है, काला मोतिया, और बहुत से लोग इसे सफ़ेद मोतिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया दोनों अलग अलग बीमारी हैं। ग्लोकोमा या काला मोतिया इस नस की बीमारी है, जबकि सफ़ेद मोतिया आपके इस लेंस की बीमारी है। आँख का जो अपना लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है। जब वो सफ़ेद हो जाता है तो उसका सिंपल इलाज है, उसको निकाला, दूसरा लेंस फिट कर दिया, सफ़ेद मोतिया ख़त्म। यानी ये एक बार की बीमारी है, इलाज हो गया, ख़त्म। लेकिन काला मोतिया ऐसी बीमारी नहीं है कि बस इलाज हुआ, ख़त्म। काला मोतिया नस की बीमारी है, हम इसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कैसे ये सफ़ेद मोतिया से डिफरेंट है। तो ये जो नस है ये ऐसे अपने आप ख़राब नहीं होती। यानी ग्लोकोमा में होता क्या है कि इस नस में ख़राबी आती है। तो क्या होता है, हमारी आँख के अंदर एक पानी होता है, एक कैविटी आप देख रहे हो, आँख में अलग अलग कैविटीज़ होती हैं। तो इस कैविटी में एक पानी होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये जो पानी है ये एक नॉर्मल प्रेशर लगाता है आँख के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे, इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। ग्लोकोमा में क्या होता है, अलग अलग कारणों से ये प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जब नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर होगा तो अपने आप इस पे दबाव आएगा, मैकेनिकल दबाव आता है, वैस्कुलर भी दबाव पड़ता है इस पे, वैस्कुलर चेंजेस भी होते हैं। ये दबाव इस नस को सुखाता है, यानी ज़्यादा प्रेशर हुआ, नस पे दबाव आया, नस ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ग्लोकोमा बस ऐसा नहीं है कि कुछ दिन की बीमारी है, ग्लोकोमा सालों साल की बीमारी होती है। आपकी नस में सालों साल तक ज़्यादा प्रेशर रहेगा तब इस नस में नुकसान शुरू होता है। इसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या डायग्नोसिस होता है, ये हम बहुत ब्रीफ में बाद में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करते भी रहे हैं। बट आज का जो मेन पर्पज़ है वो है ये डिस्कस करना कि ग्लोकोमा अफेक्ट कैसे करता है आपको, आपकी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अगर हम तीन पॉइंट में डिवाइड करें तो हम सबकी लाइफ में एक पर्सनल पॉइंट होता है, एक प्रोफेशनल पॉइंट होता है, एक सोशल पॉइंट होता है। ग्लोकोमा इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको अफेक्ट करता है। कैसे?
सो पर्सनल एस्पेक्ट पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आपका क्या असर होता है ग्लोकोमा में? देखिए, ग्लोकोमा के बारे में ये जानिए कि ग्लोकोमा में ऐसा नहीं होगा कि आपका विजन एकदम चला जाएगा। इसकी एक करेक्टरिस्टिक होती है, ये आपके सामने की रोशनी को ख़राब नहीं करता इनिशियली, ये आपका पेरिफ्रल विजन यानी जो साइड की रोशनी होती है, चारों तरफ की रोशनी होती है, उसको कम करते जाता है धीरे धीरे। यानी आपका देखने का दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसे अगर हम देख रहे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर नीचे दाएं बाएं का भी पता चल रहा है क्या चीज़ें हैं। ग्लोकोमा में ये दायरा धीरे धीरे सिमटता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब केवल और केवल टनल विजन बचेगा, यानी केवल सामने का विजन बचेगा, और अगर उस टाइम पे भी कंट्रोल नहीं किया तो वो भी चला जाएगा। तो आपका दायरा सिमटा, सामने का विजन रहा, वो भी ख़त्म हो गया। ये एक स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन है। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ जो है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर आपका विजन हैम्पर हो रहा है, फील्ड ऑफ विजन हैम्पर हो रहा है, सेंट्रल विजन रह गया बस, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते? आप इंडिविजुअली हैंडीकैप हो जाते हो, आप अपने डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। बाथरूम जाना, नहाना धोना, ड्राइव करना सबसे पहले आपका लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि जब आपका पेरिफ्रल फील्ड ही नहीं रहा, आपका पेरिफ्रल विजन ही नहीं रहा, तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि साइड से क्या वाहन आ रहा है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सीढ़ियों की जो आपकी हाइट है कितनी है, ऊपर नीचे कितनी है। आपको बाथरूम में यूजुअली पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं वो बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, वो नहा नहीं पाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। तो जब आप इतना विजुअली हैंडीकैप हो जाते हो तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल तौर पे भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट करती हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे तो आपका जो जॉब है, जो बिजनेस है, वो सीवियरली हैम्पर होता है अगर ग्लोकोमा आपका प्रोग्रेस कर रहा है। ऑब्वियसली ये तो एक जनरल चीज़ है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस काम कर रहे हैं, शॉप काम कर रहे हैं, तो यू नीड विजन, यू नीड पेरिफेरल विजन ऑल्सो। जब वो आपका हैम्पर होना शुरू हो जाता है तो आपका प्रोफेशनल फ्रंट ख़राब होने लगता है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि हमें जॉब से निकाल दिया गया, या हम अपना काम कर रहे थे वो नहीं कर सकते, अब तो हम फाइनेंशियली बहुत ही क्रिपल्ड हो गए हैं, हैंडीकैप हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा किसी के साथ भी हो। इसीलिए ग्लोकोमा के जो अवेयरनेस है, जो आपका ग्लोकोमा का फॉलोअप हम बार बार बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने डॉक्टर को दिखाना है, वो बिल्कुल करिए। थर्ड फ्रंट जो आता है वो सोशल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो ऑब्वियसली जब आप देखना कम कर देते हैं, आपका फील्ड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो सब भी आपसे दूर होने लगते हैं। ऑब्वियसली कोई भी ब्लाइंड पर्सन के पास में नहीं जाना चाहता। तो क्या होता है कि ग्लोकोमा में अगर आपने टाइमली नहीं दिखाया तो आपका जो पूरा सोशल सर्किल है, पर्सनल फ्रंट है, प्रोफेशनल फ्रंट है, ये इतना सीवियरली हैम्पर हो जाता है कि फिजिकल डिसीज़ तो होती है पेशेंट को, पेशेंट मेंटली भी फाइट कर रहा होता है इन सब इश्यूज़ की वजह से। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोकोमा बेसिकली किन लोगों में चांस ज़्यादा होता है। तो देखो, पहली बात तो ये सबको समझ लेनी चाहिए कि ग्लोकोमा एक ऐसी डिसीज़ है जो किसी को भी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यूबॉर्न टू एन ओल्ड पर्सन, यंग पर्सन टू अ मिडिल एजेड पर्सन, हर किसी को काला मोतिया हो सकता है। कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसे ग्लोकोमा नहीं हो सकता। एक पैदा हुआ बच्चा वो ग्लोकोमा लेके पैदा हो सकता है, यंग 15 से 20 साल के लोग उनको जुवेनाइल ग्लोकोमा हो सकता है, मिडिल एजेड लोग फैमिली हिस्ट्री उनको ग्लोकोमा हो सकता है, ओल्ड एज ऑब्वियसली मोर कॉमन है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम बोलते हैं कि अगर आप में से किसी को भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हों तो आप बहुत अवेयर हो जाइए, अपने ग्लोकोमा कंसल्टेंट को फॉलो करिए। क्या रिस्क फैक्टर्स है वो मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले एज, एनीवन हु इज़ मोर देन 40 इयर्स उसको अपना एक चेकअप कराना ही चाहिए ग्लोकोमा एक्सपर्ट से। फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी, ये सब सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है ग्लोकोमा में। अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को भी ग्लोकोमा है, मदर फादर ब्लड ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर किसी को भी ग्लोकोमा है रहा है, तो मान के चलिए आपका जो रिस्क है 5 to 10 times है। तो यू नीड टू कंसल्ट योर ग्लोकोमा एक्सपर्ट कि आपको बता दे आपको ग्लोकोमा है या नहीं। थर्ड, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है किसी भी फॉर्म में, इवन कैटरेक्ट सर्जरी भी हुई है, वो भी आपको एक रिस्क में डालती है ग्लोकोमा के लिए। आपकी पर्दे की सर्जरी हुई है, पुतली की सर्जरी हुई है, इवन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सर्जरी कोई हुई है, एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें। फोर्थ, अगर आप स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉयड एक जो ऐसी दवा है जो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लेते रहते हैं इरैशनली, आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा, नस ख़त्म होती रहेगी। तो स्टेरॉयड किसी भी फॉर्म में, चाहे ड्रॉप फॉर्म में, चाहे टैबलेट फॉर्म में, इवन क्रीम फॉर्म में, आपकी आँख यहाँ है लेकिन अगर पैरों में भी आप स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका प्रेशर बढ़ा सकता है आपका। फाइव, अगर आँख में कोई भी हल्की से हल्की चोट भी लगी है वो भी आपको एक रिस्क में डालता है ग्लोकोमा के।
चोट जो है वो सारा आपका अंदर का डिस्टर्ब कर देती है, उस पानी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेशर बढ़ने लगता है। तो अगर हल्के से हल्की चोट भी लगे, जैसे कुछ कुछ लोग बताते हैं उनके बॉल से चोट लग गई थी, हैंगर से चोट लग गई थी, गिल्ली डंडा खेल रहे थे चोट लग गई थी, ये सब चीज़ें आपको रिस्क में डालती है। देन अगर आपकी आँख में बार बार रेडनेस आ रही है जा रही है ना, इसे हम यूवीआइटिस बोलते हैं, वो भी आपको रिस्क में डालती है। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी है तो आपको एक बार ग्लॉकोमा कंसल्टेशन करना ही चाहिए। इवन देन अगर आप 40 प्लस हैं तो एक आपका कंसल्टेशन तो होना ही चाहिए। एक चीज़ और मैं फिर से बता दूं, साइन एंड सिम्टम्स। ग्लॉकोमा अनफॉर्चुनेटली कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। जैसे मैंने बताया कि आपका दायरा सिमटता है, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं चलता है जब उनका विजुअल दायरा सिमटता जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ग्लॉकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्लॉकोमा प्रोग्रेस करता रहेगा। आमतौर पर कोई बीमारी होती है तो मरीज को पता चलता है, इसलिए अपने डॉक्टर के पास जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि साइन एंड सिम्टम्स लेके नहीं आएगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई लाली नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार एक ही चीज़ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को दिखाएं। अब हम आते हैं डायग्नोसिस। मैंने अभी एक बात कही थी कि ग्लॉकोमा इज अ ट्रीटेबल डिसीज, ग्लॉकोमा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अवेलेबल है, हमारे पास सारा ट्रीटमेंट है। लेकिन ट्रीटमेंट हम डायग्नोसिस के बाद ही करेंगे, जब हम कंफर्म कर लेंगे पेशेंट को ग्लॉकोमा है। तो ग्लॉकोमा के लिए चार, दे आर फोर मोस्ट क्रूशियल थिंग्स इन ग्लॉकोमा फॉर मेकिंग अ गुड डायग्नोसिस, एन अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। दीज आर कॉल्ड फोर पिलर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लॉकोमा। क्या है चार? नंबर वन, इंट्राऑक्युलर प्रेशर, यानी आँख के अंदर का प्रेशर, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। इंट्राऑक्युलर प्रेशर ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और इसी पे हमारा सारा ट्रीटमेंट बेस्ड है। इस प्रेशर को लेना कैसे है, क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे जिससे हम एक्यूरेटली पेशेंट का प्रेशर चेक करते हैं। सेकेंड, एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, यानी आँख का जो पानी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस पानी के बहने का यानी ड्रेन आउट होने का एंगल, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, तो इस चीज़ का इवैल्यूएशन हम करते हैं गोनियोस्कोपी से। हमारे पास स्पेशल प्रिज्म्स होते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि पेशेंट का एंगल कैसा है। एंगल से मेरा मतलब है क्या वो रास्ता आपका खुला हुआ है जिससे कि वो जो पानी है वो अंदर ही जमाना होता रहे, वो ड्रेन होता रहे, या वो रास्ता बंद है जो फोर्स कर रहा है कि आपका जो अंदर का पानी है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, वो जमा होता जा रहा है। तो इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, यानी इसे हम गोनियो प्रिज्म बोलते हैं, गोनियोस्कोपी से हम आपका एंगल चेक करते हैं। इंडिया में एक अच्छा सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, यानी एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा लेके बैठा है। मोटा मोटा जो ग्लॉकोमा होता है वो दो टाइप का होता है, ओपन एंगल, एंगल क्लोजर, वो इसी से डिसाइड होता है। या तो आपका एंगल खुला है या आपका एंगल बंद है। तो अच्छा खासा पॉपुलेशन ऐसा है जो एंगल बंद लेके बैठा हुआ है, और ऐसे लोगों में एक बहुत ही छोटा लेज़र हम कर देते हैं जो बहुत बार पूरा का पूरा आपका वो रिस्क फैक्टर ही खत्म कर देता है। तीसरा पिलर जो है वो आता है आपका ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन, यानी इस नस का इवैल्यूएशन क्लिनिकली। इस नस को हम क्लिनिकली देखते हैं, वो हम इस छोटे से लेंस से देखते हैं। इस ये लेंस हमें ये बता देता है कि आपकी ये नस कैसा काम कर रही है, क्या ये बिल्कुल हेल्दी है, क्या ये काले मोतिया वाली नस है या क्या ये डाउटफुल नस है। तो ये छोटा सा लेंस हमें बताता है कि आपकी नस कैसी है। द फोर्थ एंड द इक्वली इंपॉर्टेंट पिलर इज योर विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड जहाँ हम नापते हैं कि आपका दायरा कैसा है देखने का, वो एक सेपरेट रूम होता है, सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपका डार्क रूम होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं। तो ये हमारा विजुअल फील्ड रूम है, यहाँ पे आपका विजुअल फील्ड एनालिसिस होता है, पूरा आपका जो दायरा है देखने वाला वो चेक किया जाता है। दिस इज़ द मशीन ज़ाइस की, हम्फ्री विजुअल फील्ड एनालिसिस, इसी से होता है। पेशेंट को यहाँ बिठाया जाता है, चिनरेस लगाया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, मशीन खुद ही प्रोजेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को, एंड पेशेंट को परसीव करना होता है, यानी पॉइंट दिख रहा है दबाना पड़ता है बटन, नहीं दिख रहा इट्स ओके। तो आपका पूरा विजुअल फील्ड एक प्रिंट आउट फॉर्म में निकल के आता है, वो प्रिंट आउट हम देखते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं क्लिनिकली, एंड देन वी टेक द डिसीजन अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ग्लॉकोमा। तो दीज फोर पिलर्स ऑफ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट मैं फिर से बता देता हूँ, इंट्राऑक्युलर प्रेशर, गोनियोस्कोपी, ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन एंड विजुअल फील्ड। आप अगर किसी भी आँख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेरी राय रहेगी अगर ग्लॉकोमा एक्सपर्ट के पास जाएं तो ये चार चीज़ अपने जहन में रखें, अपने ध्यान में रखें, इन चार चीज़ों पर एम्फेसाइज करें, अपने डॉक्टर से पूछें इन चार चीज़ों के बारे में, मेरा प्रेशर कैसा है, मेरी ऑप्टिक नर्व कैसी है, मेरा एंगल कैसा है और मेरा फील्ड कैसा है। ये जानिए, ये आपका हक है, ये आपको अवेयर भी करेगा और आपकी डिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प भी करेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रीटमेंट, ग्लोकोमा इज अ ट्रीटेबल डिसीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट हर फॉर्म में पॉसिबल है। 90% पेशेंट्स को हम दवा पे कंट्रोल रखते हैं, एक दवा, दो दवा, बहुत सी दवाएं हम बस देने के लिए, दवा से हम ग्लोकोमा ट्रीट करते हैं। 5-10% जिन लोगों का दवा से ट्रीट नहीं होता, हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, लेजर ऑप्शंस भी हैं, वी हैव एवरीथिंग फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्लोकोमा। लेकिन जब तक मरीज आएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा हम ट्रीट कैसे करेंगे। इधर i7 में वी हैव ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, हमारी ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं, वेदर मेडिकली और सर्जिकली और लेजर वाइज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं फिर से वही चीज़ बोलूंगा, ग्लोकोमा इज योर साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ये आपकी साइट को, आपके विजन को नुकसान पहुंचाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बी अवेयर एंड बीट ग्लोकोमा। ओके, थैंक यू।